अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपका भैया आपको अपनी वॉचेस की कलेक्शन दिखाएगा। मेरे पास टोटल लाइक 15-17 वॉचेस है, ठीक है, और हर बात वॉच की जो प्राइस है वो मोर देन 50,000 है। और टोटल कलेक्शन में से तीन वॉचेस ऐसी हैं जिनकी प्राइस जो है 1 लाख और इससे अबव है, ठीक है। तो अब ये मैं बात आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कलेक्शन देख के बताएं कि कौन सी वॉच आपको ऐसी लग रही है जिसकी प्राइस जो है 1 लाख होगी और उससे अबव होगी। और अगेन मैं एक बात करना चाहूंगा कि सारी वॉचेज है ब्रांडेड, इसलिए एक्सपेंसिव है, ठीक है। सारे पैसे जो है ब्रांड के हैं, इसलिए एक्सपेंसिव है। तो अभी अपने शुरू करते हैं आपको दिखाना। तो हम कलर वाइज जो है वॉचेस को मैं आपको दिखाऊंगा बारी बारी। सबसे पहले हम सिल्वर चेन वाले वॉचेस पे बात करेंगे, देन गोल्डन, देन ब्लैक, और यही बेसिक कलर है जो मेरे पास है। तो शुरू करते हैं सिल्वर वॉचेस से। तो सबसे पहली वॉच ऑफ द कलेक्शन ये है वेस्टर की वॉच, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वॉच दैट आई एवर बॉट जो कि ब्रांडेड थी। और ये मैंने ली थी व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। बड़ी एक स्पोर्टी लुक की वॉच दे रही है, एग्रेसिव लुक दे रही है, ब्लैक रेड व्हाइट डायल जिसके अंदर फिनिशिंग हुई है और इंतहाई जो है प्रीमियम क्वालिटी है इसकी। इट इज अमंग वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट वॉचेस आई हैड। तो ये मेरी पहली वॉच है कलेक्शन की। देन मेरे पास है एक ओमेक्स की वॉच विथ व्हाइट डायल, ठीक है। ये व्हाइट डायल है, अंदर ब्लैक लाइनिंग हुई है और उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सीन है इसका। ये भी जो मैं डेली ड्राइवर टूर पे यूज करता हूँ, जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, ये वॉच जो है मेरे हाथ में होती है, नजर नहीं आ रही ये, अब आई नजर। अच्छा, असल में डायल वाइट है और लाइट भी वाइट पड़ रही है इसलिए फोकस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, खैर है। तो एक होगी वेस्टर्न की, एक होगी ओमेक्स की। और नेक्स्ट वॉच जो है इंतहाई खूबसूरत, ये है स्वॉच की, ठीक है। स्वॉच इसे जेम्स बॉन्ड सीरीज भी कहते हैं, इसे हम आयरनी सीरीज भी कहते हैं। स्वॉच की बड़ी मजे की है। स्वॉच जो है स्विस ब्रांड में मेरी वन ऑफ द मोस्ट लाइक फेवरेट ब्रांड है। मेरे पास 5 घड़ियां स्वॉच की इस वक्त पड़ी हुई। स्वॉच का जो है मैं एक रेगुलर कस्टमर हूँ। ये स्वॉच की वॉच और इसका डायल जो है व्हाइट कलर का है, ब्लू ब्लैक और व्हाइट कलर के इसके अंदर वो सब डायल्स हैं छोटे जो उसके अंदर होते हैं वो है। और ये वाली वॉच मैं बहुत कम यूज करता हूँ, रेयरली मैं यूज करता हूँ वॉच वाली, क्योंकि हैवी तो नहीं है और उसका जो डायल है बहुत थिक है, तो बहुत कम जो है मैं इसे यूज करता हूँ। और जो नेक्स्ट वॉच है हमारी कलेक्शन की, दैट इज अगेन अ स्वॉच और इसका डायल जो है ब्लू कलर का है और इसकी चेन जो है मुझे बहुत पसंद है। इसकी चेन की जो है ना वो क्वालिटी, जो डिजाइन है इसकी चेन का, ये असल में रोलेक्स से मिलता है, तो रोलेक्स वैसे ही आपके भाई की फेवरेट है। तो ये हमारी नेक्स्ट वॉच, दैट इज ऑफ स्वॉच और इसका डायल कलर जो है ब्लू है और ये भी मैं बहुत ही रेयरली जो है यूज करता हूँ। और नेक्स्ट है मेरी फेवरेट वॉच, जो मेरी एक लाइक बहुत पसंदीदा वॉच है, दैट इज रोलेक्स सिल्वर चेन और ग्रे डायल के साथ ये वाली वॉच है, ठीक है। और ये भी जो है इंतहाई खूबसूरत किस्म की वॉच है, एंड इज अमंग वन ऑफ द चीपेस्ट वॉचेज दैट आई हैड। और ये वॉच जो है ना पैसे पूरे कराती है, है सस्ती बट ये वॉच जो है ना पैसे पूरे कराती है अपने। सो द नेक्स्ट वन, ये सिल्वर और ये ग्रे वॉचेज की सीरीज में सबसे महंगी वॉच है मेरे पास, वो है ये वाली, एंड दिस इज ऑफ माइकल कोर्स। ये नजर आ रही है आपको, यहाँ अब आएगी लाइट ऐसे ज्यादा है और इसका कलर ये भी अंदर से जो है सिल्वर कलर की है, सिल्वर और व्हाइट की फिनिशिंग इसके अंदर हुई हुई है, बड़ी खूबसूरत सी वॉच है। और ये भी जो काफी हैवी किस्म की, थिक किस्म की है, ये भी जो मैं यूज करता रहता हूँ, ये वाली वॉच मैं काफी पहनता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। तो ये थी वो वॉच जो सिल्वर कलर में है मेरे पास, एंड दीज वर सिक्स वॉचेस थी ये वाली। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में आपके भाई के पास 3 वॉचेस हैं पास, ठीक है, 3 वॉचेस हैं। और इसकी वजह ये है कि ब्लैक कलर असल में ना फेड जल्दी हो जाता है, वॉच ओरिजिनल हो कॉपी हो सो कलर बहुत जल्दी फेड हो जाता है, तो इसलिए मैंने 3 ली हुई हैं। और लेट्स स्टार्ट विद चीपर वन, सबसे सस्ती वाली। दिस इज द चीपेस्ट ब्लैक कलर वॉच दैट आई हैड। ये जो है रोलेक्स की कॉपी है, इंतहाई सस्ती वाली, बट आई लव इट क्योंकि घड़ी घड़ी है भाई मेरे, जो घड़ी के लवर होते हैं उन्हें पता है घड़ी क्या चीज़ है। तो आई लव दिस वॉच, ये ब्लैक है और ये भी मैंने बहुत यूज की है और ये भी थिक प्रोफाइल, वो क्या इसे कहते हैं, थिक प्रोफाइल में आई थी इसलिए प्रोफाइल नहीं है। और ये भी अच्छी खासी वेट वाली घड़ी है। और बाकी 2 घड़ियाँ ये वाली घड़ी बहुत स्लिम प्रोफाइल्ड है और ये है केनेथ कोल की डायमंड वर्जन, इसमें डायमंड लगा हुआ है और ये स्लिम प्रोफाइल्ड है, बट ये केनेथ कोल बेसिकली अमेरिकन ब्रांड है। तो ये वाली घड़ी भी मुझे बड़ी मजे की लगती है, मैं बेसिकली ये वाली घड़ी सलवार कमीज के साथ पहनना पसंद करता हूँ क्योंकि उसकी जो है ना स्लिम प्रोफाइल सलवार कमीज के साथ पैसे पूरे करवाती है, तो डायमंड लगा हुआ है इसके अंदर, सारे पैसे डायमंड के हैं इसके। तो ब्लैक में नेक्स्ट मेरे पास वॉच है, वो है ब्लैक और रोज गोल्ड के कॉम्बो में। चेन ब्लैक है, डायल ब्लैक है, अंदर एक स्टोन लगा हुआ है वो रोज गोल्ड कलर का, और ये सिग्नेचर स्टोन है मोवाटो का। जिन्हें ब्रांड्स का पता है उन्हें पता होगा कि सिग्नेचर स्टाइल है मोवाटो का। तो ये है मेरी मोवाटो की वॉच ब्लैक कलर में।
तो ब्लैक में ये तीन वॉचेस हो गई, सिल्वर में वो छह हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम गोल्डन वॉचेस के ऊपर, और अगर हम गोल्डन की बात करें तो गोल्डन में मेरे पास है 5 वॉचेस, ठीक है। और गोल्डन मुझे अच्छा खासा पसंद है, और मुझे क्लासिक पसंद है। गोल्डन की कैटेगरी जो हम जाते हैं तो मुझे क्लासिक लुक्स जो होते हैं गोल्डन गोल्डन के, मुझे वो बहुत पसंद है। और ये मोस्टली मैं ज़्यादातर कुर्ते पजामे शलवार की इनके साथ पहनने पसंद करता हूँ, पैंट शर्ट के साथ गोल्डन नहीं मैच होती असल में। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द चीपेस्ट वन, दिस वन, ये है रोलेक्स की वॉच। इससे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उससे मैंने ये वाली वॉच दिखाई है, मोस्ट अफोर्डेबल और लाइक बेसिक सी वॉच है ये वाली, मास्टर लॉक इसके ऊपर लगा हुआ है, और ये इंतहाई जो है मजे की लुक देती है घड़ी ये वाली। तो ये है मेरी पहली गोल्डन वॉच विद सिल्वर फिनिशिंग, और अंदर जो है गोल्डन डायल है इसका, लाइट गोल्डन डायल है। तो ये है मेरी गोल्डन सीरीज में पहली वॉच, और ये बड़ी खूबसूरत है वैसे, मेरी फेवरेट है ये भी, फेवरेट सारी ही है, यानी वॉच लवर और घड़ियाँ पसंद ना हो ये हो नहीं सकता, तो सारी वॉचेस मेरी फेवरेट है इस वक्त। नेक्स्ट वॉच है डैट इज अगेन स्वॉच की वॉच है ये, और आयरनी सीरीज है, स्लिम प्रोफाइल जिनकी ये उसकी वॉच है, और ये है रोज गोल्ड कलर में। रोज गोल्ड कलर के इसके अंदर जो है फिनिशिंग हुई हुई है, वो नीचे ना गिर जाए मुझे डर है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो रोज गोल्ड फिनिशिंग हुई है इसके अंदर, और अंदर लाइट गोल्ड है, और ये जो है बड़ी एक स्लीक सी लुक देती है। मेरा हाथ तो काफ़ी मोटा है, अगर ये स्लिम हाथ हो तो ये बहुत ज़्यादा मैच करे। और ये जो है मोस्टली मैं पहनता हूँ जब मैं लाइक जैकेट, मैंने जीन्स जैकेट पहनी हो, यानी कि मैंने स्लिम प्रोफाइल ड्रेसिंग की आउटफिट हो मेरा, उसके साथ मैं ये वाली घड़ी मैच करता हूँ, और ये बड़ी खूबसूरत सी वॉच है। नेक्स्ट वॉच, अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच, ये है डीची की वॉच, DICI इसका ब्रांड का नाम है। ये मैंने KSA से परचेस की थी, ये लोकल ब्रांड है वहाँ का शायद, नहीं ये बल्कि फ्रांस का ब्रांड है ये वाला, हाँ फ्रांस का ब्रांड है शायद, पता नहीं जहाँ का भी है खैर। तो इसका जो डायल है वो ब्लू कलर का, ठीक है, और इंतहाई मजे की फिनिशिंग हुई है डायल के अंदर, जूम नहीं हो रहा वरना मैं दिखाता आपको, ब्लू के अंदर लाइनिंग हुई है, ब्लू के अंदर गोल्ड लाइनिंग हुई है ऐसे, जिसके सारे पैसे हैं, तो हाँ अब नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत। तो ये सीन है इसका, और ये भी बड़ी खूबसूरत सी है, ये थोड़ी हैवी वेट है इसलिए प्रोफाइल नहीं है, ये थोड़ी थिक प्रोफाइल वॉच है, बट जो भी है आई लव इट, मज़े की चीज़ है ये भी। और नेक्स्ट जो है मेरे पास इंतहाई क्लासिक सीको की वॉच है, 21 कैरेट गोल्ड जिसे कहते हैं, गोल्ड प्लेटेड जो होती है, बल्कि इनफैक्ट ये वाली वॉच जो है पूरी गोल्ड की है, तो एक तरह से पहनना हराम भी है, बट कोई बात नहीं, पाकिस्तान है यहाँ सब चलता है, कोई बात नहीं। तो ये है वो वाली वॉच, क्लासिक है ये, 21 कैरेट गोल्ड, और ये जो है मैं पहनता ही नहीं हूँ क्योंकि ना बाबो वाली फील देती है, बूढ़े बाबो वाली, तो मैं अब यूज़ ही नहीं करता ये वाली वॉच, ये मैंने जैसे संभाल के रखी हुई है एज अ पीस ऑफ कलेक्शन। तो जो लास्ट वॉच है हमारी गोल्डन कैटेगरी में, डेट इज राडो। राडो ना और वॉचेस कलेक्शन में ये हो नहीं सकता, ये असल में थोड़ी सस्ती वाली राडो है, एक्सपेंसिव वाली थी वो मैंने सेल कर दी, बट प्लान बनना कि दोबारा जो है हम एक्सपेंसिव राडो भी खरीदेंगे। ये जो है सुपर चीप राडो है, और ये मैं नहीं यूज़ करता, ज़रा भी यूज़ नहीं करता मैं ये वाली वॉच। और अब बारी आती है स्ट्रैप्स वाली वॉचेस पे, स्ट्रैप्स वाली वॉचेस का आपका भाई कोई खास फैन नहीं है, शौकीन नहीं है, तो मेरे पास स्ट्रैप्स में इस वक्त 2 वॉचेस पड़ी हैं, ठीक है। एक है गेस की गोल्डन और ब्राउन की कॉम्बो में, ये वाटरप्रूफ सीरीज इनकी एक आई थी, वाटर रेजिस्टेंट सीरीज जिसका नाम क्या है, हाँ वाटर प्रो सीरीज कहते हैं इन्हें। तो ये तब मैंने परचेस की थी, और ये बड़ी खूबसूरत लेदर इसके स्ट्रैप्स है, अभी तक जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में ही है, थोड़ा सा रंग मेरे ख्याल से फेड हो गया इसका, बट खैर है इतना बनता है क्योंकि मैं इस पर वाटर टेस्ट करता रहता हूँ अक्सर ही, क्योंकि वाटर प्रो है तो उसका रंग थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा फेड हो गया, तो इतने की खैर होती है। तो ये गेस की है, बड़ी मजे की है। और नेक्स्ट स्ट्रैप्स में मेरे पास एक और है जस्ट ये वाली, ये कोई गिफ्ट दी थी किसी ने तो मैंने संभाल के रखी हुई है अभी तक, ये भी बड़ी मजे की है, स्लिम प्रोफाइल्ड है ये, जब आप फॉर्मली ड्रेस हुए होते हो, पेंट कोट पहना हुआ है आपने, तब जो है आपके पैसे पूरे कराती है ये वाली वॉच, बट मैं क्योंकि कभी फॉर्मली ड्रेस होता ही नहीं हूँ, मैं पेंट कोट पहन के भी जो है वो अजीब लग रहा होता, तो मैं फिर ये पहनता ही नहीं, तो ये सीन है। और बाकी अगर हम एक्सेसरीज की बात करें तो परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम सस्ते तो बेतहाशा मेरे पास पड़े हुए हैं, यानी वो 700-800 वाले, 1000-1500 वाले बहुत ज़्यादा हैं, बट जो मेरे पास लाइक एक्सपेंसिव वन है वो 2 है मेरे, 3 है बेसिकली, तीसरा मैं लाया नहीं उतर पड़ा हुआ पीछे, वो इनफ के बाय पेरिस, वो पेरिस के ब्रांड है उसका, इनफ परफ्यूम का नाम है, बड़ा मजे का है वो भी। तो लाइक दिस इज द परफ्यूम दैट आई हैड, और सबसे महंगा परफ्यूम है ये वाला, ये क्रीट का सिल्वर माउंटेन, तो इसकी प्राइस जो है 50,000 से ऊपर की है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इसकी खुशबू जो है बड़ी मजे की कसम से। और एक और परफ्यूम है मेरे पास दैट इज ऑल्सो अ बिट एक्सपेंसिव, और ये है अभी सारा कुछ नीचे गिरने लगा तो बच गए तो कोई नहीं, तो ये है अरमानी का, अरमानी एक्सचेंज, बड़ा मजे का परफ्यूम है ये वाला भी, इसकी स्मेल भी जो है इंतहाई खूबसूरत, और वो कड़वी सी है, ब्लैक जो है तो ब्लैक कलर, अच्छा ये निशानी है कि ब्लैक कलर में जो परफ्यूम होगा उसकी खुशबू जो है वो कड़वी होगी, तो ये थोड़ी कड़वी सी खुशबू वाला है, बट आई लाइक इट।
तो ये थी मेरी एक्सेसरीज की कलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास वॉलेट्स भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, मुझे शौक है, सनग्लासेस दो तीन है मेरे पास। तो ये थी मेरी छोटी सी कलेक्शन, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड मा सलामा।